गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तारीख 9/2020 व बुधवार, धोरण में विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हमने वीडियो नंबर 1 में आई वर्णक सीखा, ठीक है। कौन सा आई, जो ऑनलाइन हमने सीखा था, ठीक है। फिर वीडियो नंबर 2, जिसमें आई की खाली जगह और बाकी अक्षर लिखो वो देखो, ठीक है। वीडियो ऑनलाइन में हमने क्या देखा था कि आई कैसे लिखा जाता है, वो आई की मात्रा, आई की मात्रा वाले वर्णमाला में आई की मात्रा का उपयोग किस तरह से होता है वो देखा। वीडियो नंबर 2 में हमने क्या देखा कि आई को आई की मात्रा के बाकी अक्षर लिखो और खाली जगह पूरा, ठीक है, तो वो देखा। अब आज वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर आई स्वर के शब्द और वाक्य लिखेंगे, ठीक है, जिसमें पहले हम देखेंगे आई की मात्रा वाले शब्द लिखो। आई की मात्रा वाले शब्द लिखो, हमने जब पहले वीडियो आई की मात्रा जब देखी तब कुछ शब्द भी लिखे थे, ठीक है, और आज हम ज्यादा शब्द और वाक्य लिखेंगे, ठीक है। तो पहले चाइना, चाइना, ठीक है। फिर चैत्र, चैत्र, ठीक है। उसके बाद छैया, चैत्र, फिर छैया, फिर बैर, बैर, ठीक है। फिर पैसा, ठीक है, एक दो अक्षर लगे हुए, फिर तीन अक्षर लगे, जी के तय ना त, क्या लिखा, तय ना त, फिर तय या र, क्या होता है, तय या र। उसके बाद दई नी क, दई नी क, फिर सई नी क, ठीक है। फिर ओके, आई क्या, क्या आएगा, आई क्या, ठीक है। ये हुए कुछ तीन शब्द वर्ण वाले। अब चार वर्ण वाले देखते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, 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 फिर हैदराबाद, ठीक है, फिर मैं नहीं जा रहा, ठीक। उसके बाद देखिए तो पहला सुर, ठीक है। तो इस तरह से आई की मात्रा वाले शब्द में लिखे, जिसमें दो वर्ण में देखे तो चाइना, चैत्र, छैया, बैरा, पैसा। नंबर 3 वर्ण वाले तैना, तैया, दैनिक, सैनिक, ऐक्य। फिर 4 वर्ण वाले वैज्ञानिक, हैदराबाद, मैनेजर, पहला सूत्र, ठीक है। तो ये अलग अलग हमने 2, 3, 4 वर्ण वाले ऐसे हमने सभी शब्द लिखे, और सभी में हमने कौन सी मात्रा ली, आई।
ऐ की मात्रा नहीं और ऐ की मात्रा वाले हमने शब्द ये थे। हमने जब ऑनलाइन ऐ की मात्रा सीखी थी तब ऐ की मात्रा कुछ शब्द दिए थे जिसमें दो ही मात्रा दो ही वर्ण वाले थे, इसमें हमने दो तीन और चार वर्ण वाले शब्द सीखे। ठीक है, तो आज हम ये ऐ की मात्रा वाले शब्द देखे और ऐ की मात्रा वाले वाक्य देखेंगे। ठीक है, हमने ऐ की मात्रा वाले शब्द लिखे, अब ऐ की मात्रा वाले वाक्य लिखो। ठीक है, तो ऐकी मात्रा वाले वाक्य जिसमें लिखते थे नंबर एक खेल कूद का बड़ा मैदान है। ठीक है, खेल कूद का बड़ा मैदान है। ठीक है, तो हमारे स्कूल में भी खेलकूद का बड़ा मैदान है, जो आप लोग बच्चे जब स्कूल में आते तब खेलते हो, उसी तरह हमें इधर बात करें उधर के मैदान शब्द में कौन सी मात्रा आई, ऐ की मात्रा। तो खेलकूद का बड़ा मैदान है। नंबर दो चैतन्य गई हाजिर है। चैतन्य चैतन्य में भी कौन सी मात्रा आई, ऐ की मात्रा। और गए हाजिर, तो गए हाजिर में भी कौन सी, ऐ की मात्रा। तो चैतन्य गैर हाजिर है, यानी स्कूल नहीं आई होगी, इसका मतलब क्या होता है, वो गैर हाजिर है। ठीक है, फिर तीन जैनम बड़ा जैनम बड़ा अच्छा तरैया है, यानी जो पानी या नदी या फिर किसी और जगह जो पानी नहाता है स्नान करते करते वो क्या करते तैरता है, वो कैसा है, तो अच्छा तरैया है। ठीक है, फिर भैया बाजार गए, भैया बाजार गए, या उसके सिवा दूसरा आप भी लिख सकते हो कि मेरे भैया का नाम महेश है या मेरे भैया का नाम रमेश है, यानी आप दूसरा भी बना सकते हो रमेश मेरे भैया है। ठीक है, तो उस तरह कहीं कहीं आप बना सकते हो। फिर हमारे देश की रक्षा सैनिक करते हैं, हमारे देश की रक्षा कौन करता है, तो सैनिक करते हैं। ये जो लोग अपने घर पर सब छोड़कर देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं वो कौन होते हैं, सैनिक। तो हमारे देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक करते हैं। आगे बहुत बड़ा शहर है, क्या हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, तो हमने यहाँ कौन से एक ही मात्रा वाले वाक्य जिसमें पहले लिखा खेलकूद का बड़ा मैदान है। ठीक है, तो खेलकूद का बड़ा मैदान जिसमें मैदान शब्द आया जिसमें एक ही मात्रा है। फिर चैतन्य गैर हाजिर है, चैतन्य में भी ऐ की मात्रा, गैर हाजिर में भी ऐ की मात्रा, तो चैतन्य गैर हाजिर है। फिर जैनम बड़ा अच्छा तरैया है, जैनम, तो जैनम में भी कौन सी मात्रा आई, ऐ की मात्रा। बड़ा अच्छा तरैया, रस के ऊपर कौन सी मात्रा, तो ऐ की मात्रा, तो तरैया है। नंबर चार भैया बाजार गए, ठीक है, तो भैया तो बहुत पर कौन सी मात्रा आई, ऐ की मात्रा, तो भैया बाजार गए। नंबर पाँच हमारे देश की रक्षा सैनिक करते हैं, ठीक है, तो इसमें सैनिक शब्द, इसमें भी कौन सी मात्रा है, एक ही मात्रा,
हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, तो हैदराबाद में भी हाउ पर कौन सी मात्रा, एक ही मात्रा। इस तरह अलग अलग हमने एक ही मात्रा वाले वाक्य लिखे, जिसमें सही और हैदराबाद जो हमने दो शब्द जो लिखे उसमें से उस शब्द के आधार पर हमने दो वाक्य लिखे। ऊपर जो तीन, एक से तीन वाक्य लिखे हमने, नए वाक्य लिखे। तो आपको भी जो भी शब्द दिए गए हैं, जो भी शब्द लिखे उनमें से आता है वो आप बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने इधर बना वही बना सकते हो, जैसे कि भैया बादल गए क्योंकि मेरे भैया का नाम महेश है, या मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, फिर इधर इधर के जन्म बड़ा अच्छा तरह है। उसी तरह आपको जो भी आता हो, मेरे पापा मैनेजर है, ठीक है, जो भी आते हो मेरे अंकल वैज्ञानिक है, आपको जो भी जैसे भी शब्द एक ही मात्रा वाले आते हैं वो आप लिख सकते हो, और उस शब्दों का उपयोग करके आप वाक्य भी बना सकते हो। गुजराती के अंदर आपको शब्द वैसे वाक्य बनाने को सिखाया है, उसी तरह हमें हिंदी में भी शब्द के उपयोग करके उसे हमें क्या बनाना है, उसका वाक्य बनाना है। तो यहाँ हमने पाँच छः वाक्य लिखे, आपको उससे भी ज़्यादा जितने भी एक ही मात्रा वाले शब्द आते हैं वो भी आप लिख सकते हो, और एक ही मात्रा वाले जो भी वाक्य आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो शब्दों का प्रयोग करके आप उसके वाक्य भी बना सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ छः लिखे, आपको छः से ज़्यादा दस भी आते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक ही मात्रा वाले शब्द, ठीक है, दो तीन चार वर्ण वाले शब्द लिखे, और एक ही मात्रा वाले वाक्य, ठीक है, तो एक ही मात्रा वाले वाक्य शब्द लिखे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और शांति से जो भी आपको वाक्य और शब्द नए आए वो भी लिखना, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।